ये है यहाँ का पेट्रोल पंप। यस, इंडिया में जो हम पेट्रोल पंप बोलते हैं ना, ये वही है, पर यहाँ पर इसको बोलते हैं गैस स्टेशन। यहाँ पे फ्यूल को ये लोग बोलते हैं गैस। तो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शो यू डिफरेंस बिटवीन अपन इंडिया का पेट्रोल पंप और यहाँ का गैस स्टेशन। तो हेलो, व्हाट्स अप एवरीवन, आई एम दीप एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डी हो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक और कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए लाया हूँ। यहाँ पे क्या सिस्टम होता है एंड ऑल दैट गैस स्टेशन का, ठीक है। तो ये वन ऑफ दी गैस स्टेशन है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। अब इंडिया में ना किसी को भी ये बताओ कि भाई कहाँ काम करते हो, तो गैस स्टेशन, तो वो सबको एक ही मन में एक ही पॉइंट आता है कि गैस स्टेशन की जॉब, पेट्रोल पंप की जॉब, यानी तो कैसी। तो आप क्या लोगों को ऐसे कार में या बाइक में पेट्रोल फिल करके देते हो? तो नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता है बाहर, यहाँ पे खुद ही करना पड़ता है। नोजल उठाओ और फ्यूलिंग करो। तो यहाँ पे ना दो मेथड होती है, एक तो बाहर ही आप अपना कार्ड ATM यानी डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करके बाहर ही आप पे कर सकते हो। अदरवाइज पहले फ्यूलिंग कर लो, उसके बाद स्टोर के अंदर जाओ और फिर पे करो। तो एक मन में पॉइंट तो आया ही होगा, टिपिकल इंडियन वाला, कि भाई लोग फ्यूल करवा के भाग नहीं जाते, होता है। पर यहाँ पर मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कोई नोजल उठाता है ना, वैसे ही हमें अंदर हमारे PC में पता चल जाता है कि किसी ने नोजल उठाया है, और हम जब अलाउ करते हैं अंदर से तभी जाके वो बाहर फ्यूलिंग कर सकता है, और जब वो वापस रखता है तब भी हम लोगों को पता चलता है, और उसके बाद लोग अंदर आते हैं। तो अगर कोई ड्राइव ऑफ करके निकल रहा है, यानी फ्यूलिंग करके पैसे देने अंदर नहीं आ रहा है और ऐसे ही निकल रहा है, तो उसका हमें पुलिस रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद सब इंक्वायरीज होती है, उसका कार नंबर होता है, वहाँ पर से ऑनर का नाम पता चलता है, और वो लोग वहाँ से उसके इंश्योरेंस पे इफेक्ट होता है एंड ऑल दैट, ये सब कुछ होता है। बट यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं करते, पैसे देने अंदर आ ही जाते हैं। तो यही सीन है। ये देख लो अच्छे से यहाँ का स्टोर नहीं, स्टेशन, और यहाँ पे अंदर है स्टोर। So this is how the store look from the inside. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, कैंडी, चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, ड्रिंक्स, और इसके अलावा ना एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कॉफ़ी का। यहाँ पे कॉफ़ी भी मिल जाती है और सैंडविचेस एंड ऑल दैट भी मिल जाता है यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ भी ये हमारा गैस स्टेशन, जहाँ जहाँ भी गैस स्टेशन होता है, वहाँ वहाँ पर एक स्टोर तो आपको ऐसा मिल ही जाएगा, राइट। तो यही डिफरेंस है थोड़ा बहुत गैस स्टेशन में और अपन के इंडिया के पेट्रोल पंप पे। और अब बारी है एक फन फैक्ट की। यहाँ पर ना मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ पेट्रोल का प्राइस, ठीक है। तो इंडिया में रुपए यानी यहाँ का डॉलर, और इंडिया में पैसा मतलब यहाँ का सेंट, यानी हम ऐसा बोलते हैं कि 20 रुपये और 50 पैसे, तो यहाँ पे होगा $20.50, ओके। तो अब मैं यहाँ पर आपको प्राइस दिखा रहा हूँ पेट्रोल का, और फिर आपको मैं प्राइस दिखाने वाला हूँ पानी की बोतल का। 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस देखो और आप 1 लीटर पानी की बोतल का प्राइस देखो, कुछ इंटरेस्टिंग है। ये देख लो जी प्राइस फ्यूल का, जो फर्स्ट है ना वो पेट्रोल का है 98.9, एंड दूसरा है वो डीजल का है 92.9। ये प्राइस जो आपने अभी देखा ना वो 100 लीटर का है, तो 1 लीटर के हिसाब से लगाओगे तो प्राइस है अभी 98.9 सेंट। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्टोर में जाके पानी की बोतल का प्राइस, देखिए एक बार फिर पता चलेगा आपको। एंड नाउ चेक आउट, सो दिस इज़ दी 1 लीटर वाटर बॉटल, ये 1 लीटर की, और ये सबसे सस्ती वाली है जिसका प्राइस है $2.19, इसका है $2.69 एंड $3.69, और आपने गैस का तो प्राइस देख ही लिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि यहाँ पे पेट्रोल से महंगा पानी है। मुझे भी पहले दिन ना मैं कन्फ्यूज़ था कि ये सच में ऐसा ही है ना, पर फिर देखा तो पता चला कि हाँ हाँ ये सही बात है कि पेट्रोल से महंगा पानी है। और दूसरी बात, यहाँ पर ना हर एक गैस स्टेशन पे नहीं होता, पर ऑलमोस्ट सारे गैस स्टेशन पे आपको ये देखो पीछे देखने को मिलेगा कार वॉश है, ऑटोमेटिक कार वॉश है, वो आपको
ऑलमोस्ट सारे गैस स्टेशन पे दिखने को मिल ही जाएगा। अब वो क्या होता है, कैसा होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। कार लेके अंदर जाएंगे और पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और जो आपको बाहर दिख रहा है ना, ये और ये फर्स्ट दो, वो ना वैक्यूम है। वैक्यूम किसके लिए है, गाड़ी को अगर साफ़ करना हो ना तो उसके लिए वैक्यूम है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी रख के वैक्यूम कर सकते हो कार को। और वो जो फर्स्ट वाला है ना, वो एयर प्रेशर है। ऐसे ना मैं यहाँ पे ना शेल में काम करता हूँ, ऐसे ही बहुत सारी कंपनी के गैस स्टेशन यहाँ पे होते हैं, जैसे कि एसो, पेट्रो कैनेडा, पायोनियर, देन हस्की, तो ऐसी बहुत सारी और भी कंपनी होती है। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ मेरे घर के एग्जैक्ट सामने ही पेट्रो कैनेडा करके है। मैं अभी आप घर ही जा रहा हूँ, तो अभी आपको जाते जाते दिखाऊंगा। डिफरेंस कुछ नहीं होता है, होता तो सेम ही है। मैं भी कलर डिफरेंस देखने में लगा, बाकी होता तो सेम ही है, बट ऐसे ही दिखाऊंगा, देख लेना। बाकी बहुत दिनों के बाद हाजिरी दी है मैंने, तो बताओ आप सब कैसे हो। बाय द वे, मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं अपलोड किया है, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर अच्छे बढ़ रहे हैं, 730 तक पहुँच गए। गुड, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये जो मैंने बोला था, मेरे घर के पास सामने ही है ये गैस स्टेशन, ये है पेट्रो कैनेडा। बस तो जी, आ चुके हैं घर पे और यही दिखाना था आपको। और हाँ, रुको रुको रुको, अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब 1000 के बहुत ही करीब है। आज का वीडियो बस यहीं तक है, और जल्द ही आते रहेंगे ऐसे ही छोटे छोटे बट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण।